हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के अपडेट मिल सके। और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारे यहाँ मेरी नंद की बिटिया निकिता आई हुई है, तो उसके लिए और अपनी बिटिया के लिए मैं बना रही हूँ आज नूडल्स पिज़्ज़ा, और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत इजी है और बहुत टेस्टी बनता है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पतीला या भगोना कहिए वो रखा है, और उसमें पानी जो है जब बॉयल हो गया है तो मैंने ये नूडल्स डाल दिया है। और इस नूडल्स को हम बॉयल करेंगे और इसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जितने बड़े रहेंगे उतना ही इनको जो है बाइंड होने में आसानी रहेगी। तो ये मैंने नूडल्स इसमें डाल दिए हैं, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, ताकि नूडल्स में हमारे नमक का टेस्ट आ जाए और वो फीके ना लगे। तो नमक डाल के और मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है, बीच में चलाती रह रही हूँ, और इसको हमें अच्छे से बॉयल करना है। और बॉयल करने के बाद जब हम इस स्ट्रेनर में हम इसे निकालेंगे तो हमें इसे वॉश नहीं करना है, वॉश करके हमें इसे खिले खिले नहीं बनाने हैं। हमें इसके अंदर जो स्टिकी चीज़ स्टिकीनेस होती है हमें उसी के साथ इसको यूज़ करना है। तो वहाँ मैंने इसको स्ट्रेनर में निकाल लिया है, और यहाँ पे मैंने ये एक अपना तवा लिया है, इसमें मैं पिज़्ज़ा ही बनाती हूँ, और आप जो भी तवा लें इसके लिए नॉन स्टिक का ही तवा चाहिए। इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, आपके पास बटर हो तो आप बटर डाल लीजिए, बटर से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास फ़िलहाल बटर ख़त्म हो रहा था। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा ये मैदा, और मैदे में मैं पानी डालकर और इसका एक घोल तैयार करूँगी, जिससे हमें जो नूडल्स का जो बेस होगा उसको बाइंड करने में ये हेल्प करेगा। तो इसे मैंने एक पतला बैटर, बहुत पतला भी नहीं लेकिन पतला बैटर बना के तैयार कर लिया है। और यहाँ देखिए ये नूडल्स जो हैं ये मैंने स्टेन करके रखे हुए हैं, तो इसको अब मैं इसमें डालकर और इसका एक बेस बनाऊंगी। बेस बहुत मोटा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं बनेगा, जैसे पिज़्ज़ा बेस होता है उसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। तो देखिए मैंने इसे फैला लिया है और इसे एक शेप देते हुए इसे हल्का हल्का प्रेस करूँगी, और ये सारा प्रोसीजर जो चल रहा है वो लो फ्लेम पर चलेगा, ताकि जो हमारे नूडल्स हैं वो नीचे से धीरे धीरे क्रिस्प हों, जले ना। तो यहाँ पर मैंने मैदे के बैटर में थोड़ा सा साल्ट डाला है, ताकि ये भी फीका ना लगे, हम जो भी बना रहे हैं उसके साथ उसका जो है सीजनिंग करते चल रहे हैं। तो इसको अब मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डालती रहूँगी, ताकि ये इसको बाइंड करे। ये बाइंडिंग के लिए इसमें आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, मैंने मैदा ही लिया क्योंकि मैं यही डाल के बनाती हूँ तो मुझे ये ईजी लगता है। तो इसको डालकर और देखिए मैं इसे सब जगह से डालकर और इसका जो है बाइंडिंग तैयार कर रही हूँ। और इसको डालने के बाद मैं इसे स्पैचुला से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करूँगी और चारों तरफ इसको मिला दूँगी, और इसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि जो इसमें हमने मैदे का बैटर डाला है वो भी इसके साथ सेट हो जाए और हल्का सा पक जाए। तो देखिए 2 मिनट बाद मैंने उतारा है तो ये सेट हो गया है। अब हम लेंगे टोमेटो सॉस और उसको इसके ऊपर डालकर और एक स्पून की हेल्प से हम इसको चारों तरफ एक साथ मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ मैं पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से डालना है और इसको अच्छे से मिलाते हुए हम चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद मैंने लिया है ये मोज़रेला चीज़, हम इसको इस पर थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, पहले चीज़ डालेंगे इसके बाद हम अपनी टॉपिंग्स लगाएंगे इस पर। तो मैंने इस पर चीज़ स्प्रेड कर दिया है और थोड़ा सा मैं हल्का सा इस पर मैंने नमक बहुत हल्का सा इस पर भी डाल दिया, और ये मैंने लिया है टॉपिंग के लिए शिमला मिर्च और प्याज, टमाटर और स्वीट कॉर्न लिए हैं मैंने, तो मैं इसको इस पर डाल दूंगी। और जो टमाटर लिए हैं मैंने उसके बीज निकाल दिए हैं, बीज निकालने के बाद सबको स्लाइसेस में कट किया हुआ है, और इन सब चीज़ों को मैं पिज़्ज़ा पे लगा दूंगी। तो ये प्याज लग गए हमारे, और इसके बाद मैं डालूंगी स्वीट कॉर्न,
और आप इसको अच्छे से, आपको जो भी वेजेस पसंद हो आप उस पे डाल सकती हैं। मुझे जो अच्छा लगता है या हमारे यहाँ जो बच्चे खाते हैं मैं वो डाल रही हूँ। तो इस पे अब मैंने डाल दिया है स्वीट कॉर्न, और इसके बाद मैं डालूँगी इस पे चीज़। और चीज़ आप अच्छे से डालिएगा क्योंकि चीज़ का ही टेस्ट रहता है पिज़्ज़ा में और ये बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने लिया है ये ऑरिगेनो और उसको मैं इस पे स्प्रेड कर दूँगी, और ऑरिगेनो के बाद मैं स्प्रेड करूँगी इस पे चिली फ्लेक्स और इसको भी डाल दूँगी इस पे। और फ्रेंड्स ये बहुत टेस्टी बनता है, ये मेरा अपना स्टाइल है, आपको अच्छा लगे तो आप लोग ही बनाइएगा। और इस पे मैंने बहुत हल्का सा, मैं केवल एक पिंच ऑफ सॉल्ट लेती हूँ जो मैं इस पे हल्का स्प्रेड करूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसके बाद मैं इस पे काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा छिड़क रही हूँ, ये डालूँगी। और बाकी जो बचा हुआ आप चीज़ है वो भी हम इस पे स्प्रेड कर देंगे, इसको चारों तरफ से अच्छे से हम डाल के, और इस प्लेट से ढककर मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी पकने के लिए लो फ्लेम पे। और देखिए ये 2 मिनट हो चुके हैं, तो इसका जो बेस है वो मैं नीचे से चेक करती हूँ। तो देखिए नीचे से भी ये अब निकलने लग रहा है, इसको एक शेप देना पड़ता है तो इसलिए बीच में थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। तो यहाँ से देखिए मैंने इसको नीचे चमचे को लगा कर देखा तो वो नीचे से भी सिक रहा था। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए केवल और ढक के और पकने दूंगी, और 1 मिनट बाद मैंने निकाला है। तो देखिए अब ये नीचे से भी क्रिस्प हो गया है, और ये नॉनस्टिक पैन होगा तभी ये पैन से इजी निकलेगा, अदरवाइज किसी और पैन पे आप बनाएंगे तो वो नीचे चिपकने लगता है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है पिज़्ज़ा बनकर रेडी है, और बहुत टेस्टी। मेरी बिटिया ने बोला कि मम्मा डोमिनोज को भी आपने फेल कर दिया है, तो आप लोग भी इसे बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना था। और हम बच्चों को घर में ही ये सब चीज़ें बना के खिला सकते हैं तो हमें खिलाना चाहिए, क्योंकि घर में आप एकदम गर्मा गर्म आप अच्छे से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की रेसिपी, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और इसी तरह से हम लोग वीडियोस में मिलते रहेंगे। और आप ये देखिए जो बेस है वो नीचे से भी क्रंच हो रखा है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और आप लोग प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि जो मेरे नए वीडियोस होंगे उसके अपडेट आपको मिलते रहें। और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए ये इसका एक पीस भी काट के मैंने निकाला है। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।